आप कामयाब हो सकते हैं। वो कैसे? वो एक सोच है कि कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। काम जो पहले किसी ने नहीं किया वो आप भी नहीं कर सकते। खुदा पर तवक्कल करते हुए वो काम जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था और जिस तरह से पहले कभी किसी ने नहीं किया था बुजुर्ग दाऊद ने वैसे किया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सब के साथ हो। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते, कुछ करते नहीं। क्योंकि जब आप कदम बढ़ाते हैं तो खुदा कामयाबी अता फरमाता है। बाज लोग किसी काम को इसलिए हाथ नहीं डालते, किसी भी अहम कदम को इसलिए नहीं उठाते, वो सोचते हैं कि ये काम कभी किसी ने पहले नहीं किया। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो काम जो पहले किसी ने नहीं किया वो आप भी नहीं कर सकते। और कुछ लोग सारी जिंदगी सिर्फ मंसूबे बनाते रह जाते हैं, सोचो विचार करते रह जाते हैं लेकिन जिंदगी में कोई अहम किरदार अदा नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वो ये समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। यही आज हमारा टॉपिक है जो मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने पेश करूंगा और जिसमें उन तमाम दोस्तों के लिए मोटिवेशन है जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रहनुमाई का, बरकत का सबब बनेगी। तो जल्दी से मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ता हूं और उसके बाद उस हवाले में से हम अपने लिए आज जो सबक सीखेंगे वो यकीनन आपके लिए रहनुमाई का सबब बनेगा। मेरे साथ आप खोल सकते हैं पहला सैमुएल उसका बाब नंबर 17 और मैं उसकी 40वीं आयत से 41वीं आयत से आपके सामने पढ़े देता हूं जिसमें लिखा है, फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला और वो फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना क्योंकि वो महज लड़का था और सुरख रो और नाजुक चेहरा का था। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और वर्षी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बल फवाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है
जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूं और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा और मैं आज के दिन फिलिस्तीनियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा ताकि दुनिया जान ले के इसराइल में एक खुदा है और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। किताबे मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजो, बजाहिर ये जाति जूलियत और बुजुर्ग दाऊद की कहानी आपने कई दफा पहले पढ़ी होगी और जो लोग बाइबल बिलीवर हैं वो इस पूरे वाक्य से बाखूबी वाकिफ हैं। लेकिन मैं आज जो सबक इसमें से आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम इसमें से क्या सीखते हैं, वो यही है कि अगर आप मसाशुदा हैं, आप ईमानदार हैं, आप दुआगो हैं, आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, आप नेक नियति के साथ काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप में नौकरी कर रहे हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, कहीं पर भी आप किसी भी शोबे में हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। वो कैसे? वो एक सोच है कि कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम बुजुर्ग दाऊद की जो हमने बाइबल मुकद्दस में से स्टोरी पढ़ी है, थोड़े से वक्त में इस पर गौर करते हैं। वो लोग जो अपनी जिंदगी में कोई अहम कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाते कि ऐसा पहले किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाति जोलियत, जो कि बड़ा कादावर और जब्बार आदमी था और इसराइल की तमाम फौजों की फजीयत कर रहा था, ताहीन कर रहा था, उसके साथ पहले किसी ने जंग नहीं लड़ी, उसके साथ पहले किसी ने मुकाबला नहीं किया था। लेकिन बुजुर्ग दाऊद ने यह नहीं सोचा कि इसके साथ तो पहले किसी ने मुकाबला ही नहीं किया, ये तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लिहाजा बुजुर्ग दाऊद ने यह नहीं सोचा कि मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। हालांकि उसे कई लोगों ने समझाया, कई उसके अपने भाइयों ने उसे रोका, लेकिन बुजुर्ग दाऊद के अंदर ये खास सखूबी हमें नजर आती है कि वो ये ईमान रखता था कि कोई काम भी खुदा के लोगों के लिए नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ नियत ठीक होनी चाहिए और मेहनत करने वाला इरादा हो, दलेरी की रूह अंदर हो और खुदा का पाक रूह जो है वो आपका मददगार होना चाहिए। बुजुर्ग दाऊद पहली दफा, बाद लोग ये सोचकर आगे नहीं बढ़ते, मेहनत नहीं करते, कोई काम ही नहीं करते, कहते मैंने तो पहले ये काम ही नहीं किया। अगर बुजुर्ग दाऊद ये सोच लेता कि मैंने तो पहले कभी जंग ही नहीं लड़ी, तो मेरे अजीज हो वो जाति जूलियत के साथ कभी ना लड़ पाता, उसने ये सोचा ही नहीं। याद रखें, कोई भी काम कभी भी पहली दफा ही शुरू किया जाता है, लिहाजा बुजुर्ग दाऊद ने
खुदा पर भरोसा किया, खुदा पर तवक्कल करते हुए वो काम जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था और जिस तरह से पहले कभी किसी ने नहीं किया था बुजुर्ग दाऊद ने वैसे किया। जंग का उसूल है कि जंग में फौजी लिबास पहना जाता है जो कि बुजुर्ग दाऊद ने नहीं पहना, तलवार भाला बर्छी उस वक्त के जो हथियार थे वो बुजुर्ग दाऊद ने नहीं लिए। अब ये सब कुछ जो उसने किया ये भी पहले किसी ने नहीं किया था। उसने पांच पत्थर, चिकने चिकने पांच पत्थर उठा लिए और ये लड़ाई का एक अनोखा तरीका जो है वो बुजुर्ग दाऊद ने इस्तेमाल किया और एक पत्थर से वो जाति जूलियत पर गालिब आ गए। वजह क्या है कि उन पर खुदा का हाथ था, वो खुदा का मसा उन पर था। आप जो रूल कुदस से मामूर लोग हैं, जो मसा शुदा लोग हैं लेकिन मायूस हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ करना चाहते हैं हिम्मत नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं बुजुर्ग दाऊद की तरह कदम बढ़ाएं। आपके सामने चट्टानें भी होंगी तो जेर हो जाएंगी, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करें तो वो काम कामयाबी से हमकिनार होगा, बशर्ते के आप खुदा के पाकरू के मसा से मामूर हों और खुदा के साथ चलते हों। बिना नागा मेहनत करें, दुआ करें और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगी में उनकी जिंदगी से असबाक सीखें। तो आज जो हमने इस स्टोरी से सबक सीखा है वो यही है कि कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं है अगर हम दिलेरी से और हिम्मत से खुदा के ऊपर भरोसा रखकर कदम बढ़ाते हैं तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। खुदा आप सबको कामयाब करे। आमीन।